Asanakum. Dear students, today we are in the lecture number 33 of the Database Management System course. The course code is CS403. From the previous lecture, we are discussing the user interface and we studied the importance of user interface. And we discussed that user interface is the all that is in front of the end user from the database, and we studied that it is the user interface that creates that makes an impact on the end user about your system about the system that you have developed. If your interface is working convenience provide kar rahe, if it is up to the expectation of the end user, and if it is user friendly so in case may user will going to like your system user will appreciate your system or if the user interface is not right if it is not correct if it is not easy to use for the end user then even if you have done a very good work in your system that you have developed the user will not appreciate that then we studied different points that make a good user interface और फिर हमने देखा था कि दे आर डिफरेंट टूल्स डेट वी कैन यूज टू डिवेलप यूज़र इंटरफेस और उसके बाद हमने ख़ास तौर पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फॉर्म है उसमें जो डिफरेंट कंट्रोल्स थे उनको हमने स्टडी किया कि किस तरीके से हम मुख्त कंट्रोल्स को इस्तेमाल करते हैं एक यूज़र इंटरफेस के अंदर आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिज़ाइन ए वेरी प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरफेस लेकिन इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि वट एग्जैक्टली डू वी मीन ए यूजर इंटरफेस इसके अलावा जो इसके कुछ बेसिक कंट्रोल्स हैं उनको कैसे मेनुप्लेट करते हैं एंड हाउ डू वी यूज दैम इन डाटा बेस सिस्टम उसका आपको अंदाजा होगा देखिए इस कोर्स के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन डिटेल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द डाटा बेस बिकॉज दिस इज जस्ट एन एस्पेक्ट एंड द अदर थिंग इज कि इसमें there is too much detail involved in it or perhaps you need an entire course on this topic or there are separate courses on uh, these things like VB or Microsoft Access, there are independent courses so to properly understand ke lihe, properly study ke lihe, you have to study that course independently. इस कोर्स के अंदर हम इसको इतनी डिटेल के साथ या कंप्रिहेंसिवली हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते और ना करेंगे पिछली डिस्कशन में हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका इंटरफेस है उसको नॉर्मली हम इनपुट करने के लिए जो आपका यूजर इंटरफेस है उसको नॉर्मली फॉर्म भी कहते हैं और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो मेनली फॉर्म्स की डिजाइनिंग के ऊपर ही है पहली बात जिसमें जिसको हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एंड दैट वाज दैट इट हैज़ टू बी यूजर फ्रेंडली डेटा इंटेग्रिटी डियर स्टूडेंट्स थ्रू आउट द थ्रू आउट दिस कोर्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार Especially when we were studying the relational data model, I have been emphasizing on the fact that as a database designer, as a database developer, this is your prime concern to maintain, to take care of the integrity of the data, the integrity of the database. That means that the data in the database should reflect. ए वैलिड ए रियल ए करेक्ट सिचुएशन ऑफ द रियल वर्ल्ड सिस्टम और दिजनेस दैट द डाटा बेस इज रिप्रेजेंटिंग और उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंस है जिस चीज की वो है डाटा की इंटेग्रिटी की यानी यू हैव टू मेक श्योर कि डाटा जो कि डाटा बेस में जा रहा है दैट इज करेक्ट फ्रॉम ऑल द रेस्पेक्ट देखिए और उसमें जो चीज आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आप बिफोर मूविंग द डाटा टू द डाटा बेस यू परफॉर्म ऑल द चेक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म ऑन एनी पीस ऑफ डाटा मिसाल के तौर पे आप जब फॉर्म डिजाइन करेंगे उस फॉर्म के अंदर जाहिर है कि आप डिफरेंट जो आपके टेबल्स होंगे जो आपने डिफाइन किए अपने डिजाइन के दौरान उनके अंदर आप डाटा फीड करवाएंगे उस पर डाटा इनपुट करेंगे नौ जिस वक्त तक फॉर्म में आपके फील्ड हैं दे आर नॉट येट मूव्ड टू द डाटा बेस दे आर ऑन द फॉर्म और यू कैन से दे आर इन द रैम स्टिल सो जिस वक्त आपने उसको मूव करना है डेटाबेस के अंदर तो आपने उस पर वो तमाम चेक्स लगाने हैं तमाम फील्ड्स के ऊपर और यू हैव टू मेक श्योर बिफोर मूविंग द डाटा एंड टू द डाटा बेस कि वो उन तमाम जो कंडीशंस हैं वो तमाम चेक्स हैं वो उस पर इंप्लीमेंट हुए हुए हैं यानी इस सिलसिले में आप यह देखें कि जो आपका डाटा डाटा मौजूद है वो मुकम्मल तौर पे साफ सुथरा बावजू किस्म का डाटा होना चाहिए पाक साफ बिल्कुल डाटा यानी मतलब यही है कि उस पर तमाम चेक्स लगे हुए होने चाहिए क्यों इसलिए कि जो आपने फंक्शनैलिटी देनी है अपने सिस्टम की जो आपने ऑपरेशंस प्रोसेसेस परफॉर्म करने हैं डाटा को इनपुट करने के बाद

तो अगर आपने वो जो डाटा को इनपुट किया हुआ है इफ दैट इज नॉट करेक्ट अगर उस पर कोई चेकस मिसिंग है या कोई ऐसा डाटा चला गया है जो कि उस एनवायरमेंट के अंदर उस सिस्टम के अंदर पॉसिबल ही नहीं है जो कि गलत है उसके लिहाज से तो उसमें होगा ये कि जो आप उसके ऊपर फिर जो प्रोसेसिंग करेंगे और जो फिर रिजल्ट दे रहे होंगे दे विल बी रॉन्ग और वो रिजल्ट जो है देर इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दे मेक डिसीशन ऑन दोज रिजल्ट तो जब आपके रिजल्ट गलत हैं और उनके ऊपर जब वो डिसीजन गलत लेंगे, तो दे आर गोइंग टू हार्म अल्टीमेटली द बिजनेस इसलिए इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप जैसा डेटा इनपुट कर रहे हैं खासतौर पर तो उस पर हर तरह के चेक्स लगाएं। अब हर तरह से क्या मुराद है हर तरह से मुराद जो है ना वो एक तो यह है कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जो डेट आर इंप्लीमेंटेड बाय दैरी नेचर ऑफ द डाटा मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि समथिंग इज निक तो उसमें है कि को टेक्सट टाइप का या डेट टाइप का डाटा नहीं जाना चाहिए और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि दे कम फ्रॉम द डिजाइन डाटा बिज डिजाइन मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि रेफरेंशियल डेग्रिटी कंस्टेंट है अगर आपने वो डिफाइन कर दिया एंड दैट वॉज डिफाइंड वेन यू आर डिजाइनिंग योर सिस्टम इस स्टेज से पहले की स्टेज है वो तो वो एक और तरह का इनके चेक कंट्रोल हो गया प्लस देर आर स्टिल सर्टन थिंग्स जो कि अभी आपको डेटाबेस डिजाइन में नहीं आई हुई थी उनको फिर आप इस स्टेज पे इंप्लीमेंट करते हैं तो यानी राइट फ्रॉम द स्टेज कि जिस वक्त यू डिफाइंड एन एट्रीब्यूट एंड यू एसोसिएटेड ए डेटा टाइप विद इट, वो पहली स्टेज थी जब तो उस पर एक खास तरह के जो चेक्स हैं या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं फाइन पहली चीज होगी उसके बाद हो सकता है कि डाटा टाइप दे, के डाटा को डिफाइन करते हुए ही यू डिफाइंड सम लेट्स से रेफरेंशियल डाइग्री कॉन्सटेंट्स वो एक और तरह के उस पर चेक हो गया इसी तरह हो सकता है कि आपने उसके की की डेफिनेशन के दौरान ही जो डिफाइंड सम चेक ऑन दैट तो वो भी एक तरह से या आपने उस पर रेंज डिफाइन कर दिया तो वो भी एक तरह और तरह का हो गया लेकिन स्टिल अब मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आपने कहा कि जो हमारा जो जो हमारा मैनेजर है उसकी क्वालिफिकेशन जो है मास्टर होने चाहिए उसका एक्सपीरियंस इतना चाहिए ना वगैरह वगैरह तो इस तरह के जो चेक हैं उनकी बारी अब अब आई है जिस तरह के आप फॉर्म डिजाइन करने लगे हैं अब आप यहां से यूजर से डाटा एक्सेप्ट करवा के यू विल मूव दैट डाटा इनटू द डेटाबेस तो आई एम एम्फिस ऑन दिस पॉइंट वेरी मच कि आपके डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में खास तौर पे इंप्लीमेंटेशन जब जिस वक्त फेज में आगे हुए हैं उस वक्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा दैट यू आर मूविंग टू योर डेटाबेस बेस दैट मस्ट बी करेक्ट करेक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेटाबेस इन जनरल एंड करेक्ट स्पेशली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू आर डिवेलपिंग द डाटा टेक्स कैन भी अपलाइड विद इन द टेबल्स डेफिनेशन और थ्रू इनपुट फॉर्म जैसे हमने पहले बात की थी कि वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप्स के चेक्स परफॉर्म हो सकते इस वक्त आपके सामने जो इस वक्त स्क्रीन एक नजर आ रही है इसमें अब हम देखें कि हमने जो अपना डाटाबेस डिवेलप किया है जो डिफाइन किया है टेबल्स वगैरह वो हमने डिफाइन किए हैं यूजिंग दिक्वल सर्वर अब जिस वक्त के हम फॉर्म डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो इस वक्त नॉर्मली जो दो ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं इस इन्वायरमेंट में वो एक तो है या तो वी बी इस्तेमाल की जाती है या जैसे मैं एक यहाँ पे अप्रोच अडॉप्ट कर रहा हूँ वो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो फॉर्म्स हैं मैंने इनको इसलिए सेलेक्ट किया है कि इनको इस्तेमाल करना नस्बता आसान है और मेरी मालूम के मुताबिक अभी तक जितना आपका बैकग्राउंड है उसमें आपने वी बी जो है ना वो उसको नहीं पढ़ा हुआ ऑल दो वी बी का या विजुअल बेसिक का यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जितना मैं आपको यहाँ दिखाऊँ जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो वी बी के इस्तेमाल के बग़ैर ही हो जाएगी और यह है कि आप में से जो लोग इस पर फ़र्दर एक्सेल करना चाहते हैं या करें वो बेहतर है कि वो जिस जिसकी इसकी कम्प्लीट फंक्शनलिटी है उसके लिए आपको लाजमी तौर पर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब पहला जो इस पर फेज़ है जिस वक्त हम हमने डेटाबेस डिफ़ाइन किया हुआ सीकुल सर्वर में और जो हम फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इस्तेमाल कर रहे हैं अब पहली बात है कि इनके दरमियान जब वो लिंक कैसे होगा उसके लिए जैसे इस वक्त आपके सामने स्क्रीन है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को रन करेंगे और यहाँ पे आपके पास जैसे नज़र आ रहा है कि आप फाइल में से एक न्यू की जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे जब आप न्यू की ऑप्शन लेंगे इसके बाद आपसे पहले वो पूछेगा कि जो नया डेटा आप क्रिएट करना जा रहे हैं उसका आपसे नाम पूछेगा ऑल दो आपने सीक सर्वर के अंदर अपने सिस्टम का नाम दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे जो कि आप फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर तो यहाँ पे आपने नाम इसको देना है वही दें या डिफरेंट दें इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस तो लेट्स से हमें यहाँ पे जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि मैंने फाइल नेम में लिख दिया हुआ एग्जाम सिस्टम ये करने के बाद यहाँ पर जो आपको क्रिएट की ऑप्शन नज़र आ रही है मैं ये प्रेस करूंगा इसके बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी इसमें देखिए कि सबसे पहले आपको जो स्क्रीन में राइट right साइड पे जो पोर्शन है जो छोटा आपको एक जो एक, छोटी विंडो है जिसमें कि न्यू और टैपलेट्स की आपको नजर आ रही हैं ऑप्शंस इनके अंदर आप देखें कि यहाँ पे आप में जो न्यू के नीचे जो पांच डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं इनमें से होगा जो थर्ड वन है प्रोजेक्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा आप इसको प्रेस करेंगे और इसको प्रेस इसलिए करेंगे क्योंकि आपने सिक्व सर्वर के के अंदर जो एग्जिस्टिंग आपके पास डेटाबेस था डेटा था उसको अपने इस्तेमाल करना है इसलिए आपने ये ऑप्शन इस्तेमाल करनी है जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो लेफ्ट साइड पर निर्बन बड़ी विंडो है आपको ये नजर आएगी ऊपर लिखा हुआ डाटा लिंक प्रॉपर्टीज इसमें जो कनेक्शन टैब है इसके अंदर आपको जो डिफरेंट यहां पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल इन करनी है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन जो है वो है सेलेक्ट और एंटर ए सर्वर नेम तो यहां पे जो आपको एक एरो नज़र आ रहा है पॉप डाउन के जो सिंपल नज़र आ रहा है आपको इसको प्रेस करें तो जो आपके सिस्टम के ऊपर या आपके सिस्टम की एक्सेस में जितने भी सर्वर नेम्स हैं सिकुल सर्वर के वो आ जाएंगे अदरवाइज़ ये है कि आप ख़ुद से यहाँ पे सर्वर का या इंस्टेंस नेम टाइप कर लें अब इस केस में जैसे मिसाल के तौर तो पर वीजू जो है यहाँ पर वो या तो मशीन का नाम है जिस पर रन हो रहा है या डोमेन जिसको ज्वाइन किया उसका नाम है और डैमो उस इंस्टेंस का नाम है सिकुल सर्वर के जब आप ये करेंगे तो नंबर टू पे आपने ये मेंशन करना है कि आया आपने जो पासवर्ड है वो जो लॉगिन पासवर्ड है एंड विंडोज़ के लॉगिन का उसी को इस्तेमाल करना है डाटा को एक्सेस करने के लिए या कि आपने कोई ख़ास पासवर्ड और यूज़र नेम इस्तेमाल करना है ये वो ऑप्शंस हैं जो कि सिकल सर्वर, सर्वर की इंस्टॉलेशन के साथ आप तय करते हैं इसलिए हमने उसमें से फर्स्ट सेलेक्ट कर ली हुई है थर्ड ऑप्शन में अब जो आपके पास डेमो सीक्वल सर्वर इंस्टेंस के पास जितने भी आपने डाटा बेस क्रिएट किए हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी और उनमें से आप जिस डेटाबेस के ऊपर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फर्ज करें कि हम चूंकि एग्जाम पे करना चाहते थे तो हमने एग्जाम को सेलेक्ट कर लिया जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहां से हम यहां पे इसमें यहां पे एक होगी ओके की या क्रिएट की ऑप्शन होगी उसको प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन नजर आ जाएगी अब यहां पर आप देखिए कि जो आप जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट हुए क्योंकि पिछली स्क्रीन पे यू हैव गिवन कनेक्शन इंफॉर्मेशन तो जिस डेटाबेस के साथ यू हैव कनेक्टेड उस डेटाबेस उस डेटाबेस के जितने भी टेबल्स हैं जो आप आपने डिफाइन किए हुए हैं वो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोर्स कोर्स ऑफर्ड एनरोल प्रोग्राम रिजल्ट वगैरह वगैरह ये वो तमाम टेबल्स हैं जो कि हमने अपने एग्जाम सिस्टम में डिफ़ाइन किए थे और लेफ्ट साइड पर जो आपके पास जो एरिया है जो आपको विंडो नज़र आ रही है उसमें वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो वो आपको ऑफर करता है तो टेबल्स तो ले लिए गए हैं वहाँ से फॉर्म्स और उसके लिए जाहिर है कि यहां पर जो फॉर्म्स की ऑप्शन है जो फॉर्म्स का ऑब्जेक्ट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं अगली स्क्रीन पर यहां पर आप देखिए जिस वक्त आप फॉर्म्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो राइट right साइड पे आपके पास दो ऑप्शन हैं एक तो है कि क्रिएट फॉर्म क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू और क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजर्ड अब जैसा कि इससे जाहिर है कि डिज़ाइन व्यू में ऐसा है कि आप ख़ुद से मुख्तफ चीज़ों को मुख्तु कंट्रोल्स को सेलेक्ट करके नए सिरे से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे फॉर्म का डिज़ाइन या जो दूसरी ऑप्शन है कि आप विजर्ड को इस्तेमाल करेंगे एक जो प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर कह लें एक विजर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से प्रोवाइड करता है उसको इस्तेमाल करते हुए यू वॉन्ट टू क्रिएट द फॉर्म तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी यूजिंग द डिजाइन व्यू आप बेहतर है कि शुरू में वो ना करें बिकॉज दैट इज मेंट फॉर द एक्सपर्ट्स तो जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद आप वो ऑप्शन लें अदरवाइज जो इजियर वन है यानी क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग द विजर्ड आप उसको सेलेक्ट करें जब आप ये करेंगे तो आपका जो फॉर्म विजर्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहां से वो स्टार्ट लेगा इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप उस टेबल को या टेबल्स को यानी एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं टेबल्स को सिलेक्ट करें कि ऑन विच यू वॉन्ट टू डिज़ाइन द फॉर्म यानी द टेबल फॉर विच यू वॉन्ट टू डिज़ाइन द फॉर्म फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन इनपुट फॉर्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट दैट टेबल तो इफ यू आर ट्राइंग टू एंटर द डाटा इंटू मल्टीपल फॉर्म्स इन टू मल्टीपल द सेम फॉर्म तो आप मल्टीपल टेबल्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो इनिशियली इन अवर एग्जाम्पल वी आर सेलेक्टिंग सिंगल टेबल और उसके ऊपर जो है न हम फिर वो फॉर्म क्रिएट करेंगे Once, uh, table, इसके बाद फिर यह है कि आपने उस टेबल में से नेक्स्ट uh, जो चीज आपने मैंशन करनी है कि

तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो आप नीचे नज़र आ रही है और वो ये है कि या तो आप जितने भी उस टेबल के फॉर्म एट्रीब्यूट्स हैं उन तमाम को मूव कर लें फॉर्म के ऊपर या अगर सिलेक्टेड वंस को करेंगे तो सिर्फ वही आ जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं तमाम उसके एट्रीब्यूट्स और राइट right साइड पे जो आप मूव करेंगे वो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने स्टूडेंट टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स को हमने जब सेलेक्ट कर लिया उससे ये होगा कि वो तमाम के तमाम जो हमारे पास वो फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का बटन नजर आ रहा है आप नेक्स्ट को उसको क्लिक करेंगे और जब आगे आएंगे अब ये आपके पास डिफरेंट आप कह लें कि ले हैं आपके सामने आपके पास जो कि एक्सेस सपोर्ट करता है ले से बताया है कि आपको डाटा जो फॉर्म पे नजर आएगा वो किस शक्ल में होगा उसका लेआउट क्या होगा डिफरेंट है यहाँ पे कॉलमर है टे, 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 टेबुलर है वो आप डिफरेंट देख रहे हैं तो जब आप इनको सेलेक्ट करते हैं मुख्तु को तो आपको वो आ, यहाँ पर लेफ्ट पे जो विंडो आपको नज़र आ रही है वो आपको उसका जो ना एक स्टाइल भी दिखा देगी कि वो जब आप अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको डाटा वहाँ पे कैसे नजर आएगा इसके बाद आपसे फिर नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए यहाँ से फिर स्टाइल कह लें या उसका बैकग्राउंड कह लें वो आपको इसमें फॉन्ट भी कह लें और उसका बैकग्राउंड सब कुछ इसमें शामिल है ये डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर लीजिए से हमने ये सैंड uh, स्टोन कर लिया सेलेक्ट फिर हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे और फाइनल जो है वो हमारे पास ये जो स्क्रीन है इसकी फॉर्म विजिट की ये आ गई है और इसमें हमसे वो नाम पूछ रहा है एंड इनिशियली द दिजट हैज़ प्लेस द नेम ऑफ द टेबल

फॉर्म का जो है लेआउट वो आ जाएगा फॉर्म जो इस वक्त आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा है वो उसका एक डिजाइन व्यू है डिजाइन व्यू से बात यह है कि इसके अंदर आप जो है उसके जो फील्ड्स की प्लेसमेंट है उसका डिजाइन आपको नजर आ रहा है और आप इस व्यू के अंदर इस व्यू के अंदर आप उसके उसके डिजाइन में चेंज कर सकते हैं और वो यानी जो भी चेंजेस हम करेंगे आप आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे वो तमाम चेंजेस जो हम वो इसी डिजाइन व्यू के दौरान ही हम अपने फॉर्म में करेंगे इसके अलावा आप इसी फॉर्म को कुछ और व्यूज के अंदर भी जो है वो देख सकते हैं तो वो व्यूज जो है आपको अगली स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा ये वो व्यू है जिस दैट इज कॉल्ड द फॉर्म व्यू फॉर्म व्यू में आप देख रहे हैं कि फॉर्म इस वक्त आपको नजर आ रहा है और इसमें आप देखिए कि आपको प्रैक्टिकली जो स्पेस है जो टेक्स्ट एरिया है उसमें आपको रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं उसका आपको डाटा नजर आ रहा है इसके बरक्ष अगर आप पिछली स्क्रीन पे देखें तो वहां पे आपको दोनों जगहों पर लेफ्ट साइड पे लेबल है जो एट्रीब्यूट का वहां पर भी और जो राइट पे उसका स्पेस है जो टेक्स्ट एरिया है वहां पर भी आपको दोनों जगह एट्रीब्यूट का नाम नजर आ रहा है लेकिन अगर आप देखें इसको डेटा व्यू के अंदर तो डेटा व्यू के अंदर आपको एट्रीब्यूट के नाम तो नजर आ रहे हैं लेबल्स की जगह पे लेकिन जो एक्चुअली टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं और यहां पे स्क्रीन के नीचे इसमें आपके पास पॉइंटर होता है अगर आप उसको पॉइंटर के जरिए आप अपने जो टेबल है उसमें आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप अगला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उससे अगला उससे अगला तो वो वो प्रेस करते रहें बटन या वो वो आइकन प्रेस करते रहें और अगर आपने पिछला रिकॉर्ड देखना है तो आप पीछे मूव कर सकते हैं तो इस तरह से ये आपका डाटा व्यू है जिसमें कि आप फॉर्म सॉरी ये आपका फॉर्म व्यू है जिसके अंदर कि आप अपने फॉर्म के अंदर डाटा को देखते हैं फ्रॉम योर टेबल और जो आपका डिज़ाइन व्यू है उसके अंदर आप अपने फॉर्म का डिज़ाइन देखते हैं जिसमें कि आप चेंज भी कर सकते हैं इसका मतलब यह कि वेन यू आर इन द फॉर्म व्यू उस वक्त आप अपने फॉर्म का डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स फॉर्म्स बनाना या इसी तरह से जो मुख्त रिपोर्ट्स बनाना इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ आर्टिस्टिक जॉब और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अंदर वो आर्टिस्टिक सेंस या स्थिक सेंस कितनी होती है उसका अंदाजा आपको हो जाएगा जो मैंने फॉर्म बनाना है जो मैं फॉर्म बनाऊंगा इस दौरान उससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप फॉर्म जब बनाएं तो उसमें आप अपनी जो जो आपकी स्थेटिक है आपकी जो आर्टिस्टिक सेंस है जो आर्टिस्टिक टच है आपका उसको इस्तेमाल कीजिए और उसके जो मतलब पीछे जो एक आइडिया वो यही है कि जो बंदा उस पर नज़र डाले स्क्रीन के ऊपर जो पे आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है तो वो देखने भी में भी अट्रैक्टिव लगे और जो वो चीज़ कन्वे करना चाहता है जो चीज़ दिखाना चाहता है यूज़र उसमें से इजीली पिक कर ले या उसको ईजीली फाइंड आउट कर ले यानी कहने का मतलब ये कि फॉर्म की जो अरेंजमेंट है उसके कोई लगे भंधे सूल तो हैं जो कि हमने कुछ पिछले लेक्चर में पढ़े थे कुछ आइंदा आज भी लेक्चर में पढ़ेंगे लेकिन असल में अल्टीमेटली जो उसमें चीज़ मेजर रोल प्ले करती है वो आपकी अपनी थिंकिंग है इसलिए आप अपने इसको थिंकिंग को इस्तेमाल कीजिए और उसमें यही आप मदद मतलब चीज़ को मद्देनजर मतलब रखिए कि वो देखने में भी अट्रैक्टिव नज़र आए अब बेसिक तरह का फॉर्म तो हमने बना लिया था तो जो अब हम उसमें मुख्तलफ काम करने जा रहे हैं पहली चीज़ तो ये है कि हमने जैसे आपके सामने इस वक्त फॉर्म नज़र आ रहा है पहला काम हमने ये किया कि हमने बजाय उसको कि बिल्कुल एक वो टैग की शक्ल में जैसे ऊपर तले तमाम एट्रीब्यूट पड़े हुए थे हमने पहला काम ये किया कि हमने उनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज किया और हमने इसको स्प्रेड कर दिया है पूरी स्क्रीन के ऊपर अब वो जो पूरी स्क्रीन है आपकी क्लास से वो बैलेंस नजर आती है कि वो उसमें ऐसा नहीं कि एक कॉर्नर बिल्कुल पड़े हुए हैं और बाकी आपकी सारी स्क्रीन खाली है बल्कि वो पूरी स्क्रीन पे स्प्रेड है और आपको इससे जो स्क्रीन है या आपको फॉर्म है वो बैलेंस हो जाएगा इसमें एक और अब चीज ये देखिए कि वेन यू डिफाइंड द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट वैन यू आर डिजाइनिंग योर डेटा बेस एट दैट टाइम द परस्पेक्टिव वॉज के आप मीनिंगफुल नेम हो लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज वेन यू आर डूइंग द प्रोग्रामिंग तो उसमें होता है कि आपको नाम बार बार टाइप करने पड़ते हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो मीनिंगफुल भी हो लेकिन साथ इतने लेंथी भी ना हो कि वो टाइपिंग में प्रॉब्लम हो तो वहां पे देयर यू यूज डिफरेंट एब्रीविएशन फॉर दूट्स जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि एस टी आई डी एस टी एफ नेम या एस टी एड्रेस एस टी फॉर्म लाइक दिस आपने वहां पर एब्रिविएशन इस्तेमाल की हुई हैं और इस वक्त जो आपके सामने फॉर्म है वहां पर भी आपको वो एब्रीविएशन ही नजर आ रही हैं बट द थिंग इज द फॉर्म इज गोइंग टू बी यूज अल्टीमेटली बाय द एंड यूजर्स एंड फॉर देम दीज एब्रिविएशन को बी कंफ्यूजिंग और दूसरी बात यह है कि अब आपको ये चीज बार बार टाइप नहीं करनी यू हैव टू डू इट यू हैव टू डू इट जस्ट जस्ट वंस तो इसलिए अब यहां पे वो जितनी आपके पास थी ना एब्रीवियशन वाली जो आपकी अप्रोच थी जो इख्तसार वाली थी उसको अब आप छोड़िए और यहां पे एक नॉर्मल इंग्लिश में एक कॉमन मैन के लिए जो चीज़ें हैं है ना जो उनके प्रैक्टिकली नेम है एक्चुअल नेम है उनको इस्तेमाल कीजिए मिसाल के तौर पे जैसे एस टी है तो ये अब आपको पता है कि एस टी यू आर एवरी फॉर स्टूडेंट अब इसको अब मत कीजिए इसको कंप्लीट लिखिए लिख लीजिए स्टूडेंट चाहे तो आई डी लिख लें क्योंकि आई डी इज इस क्वाइट एस्टेब्लिश्ड के लोगों को पता है कि आई डी एक खूब भी वर्ड बन चुका हुआ है या आप बेशक चाहें तो पूरा आइडेंटिफिकेशन लिख दें ऐसी एस टी नेम है तो स्टूडेंट नेम या जस्ट नेम भी काफ़ी है इसी तरह जैसे एस टी एड्रेस है इसको कहें एड्रेस ऑफ स्टूडेंट या जस्ट एड्रेस भी कहें लाइक दैट इसको पता है कि आपने जो उनके लेबल्स इस्तेमाल करने हैं दे शुड बी मीनिंग अभी uh, मैंने जो भी आपसे बात कही है मीनिंगफुल नेम्स uh, वाली चीज वो भी मैंने यहाँ भी इम्प्लीमेंट uh, नहीं की अल्टीमेटली इट विल भी इंप्लीमेंटेड यहाँ पर एक और चीज़ ये कि फर्ज करें कि आपने इनिशली कोई एट्रीब्यूट जो थे वो को शामिल कर लिया हुआ था अपनी फॉर्म में अगर आप उसको डिलीड करना चाहते हैं दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल आप उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद डिलीट प्रेस करें तो वो एट्रीब्यूट आपका गायब हो जाएगा इसी तरह फर्ज करें कि अगर आपने कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है मतलब आपने चाहे हो सकता है कि आपने शुरू में फॉर्म डिजाइन करते हुए या फॉर्म विजिट के अंदर जब आप फॉर्म शुरू में डिजाइन कर रहे थे उस वक्त आपने कुछ एट्रीब्यूट मिस कर दिए थे या एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने फॉर्म डिजाइन करने के बाद कोई टेब

तो इस तरीके से आपको वो टेबल के जिस टेबल जिस फॉर्म के पोर्शन में आप इस वक्त हैं वहां पे जो टेबल एक्टिव है उस टेबल के एट्रीब्यूट्स आपको सामने नजर आ जाएंगे अब फर्ज कीजिए कि हमने बाद में एक एट्रीब्यूट ऐड किया था स्टूडेंट सेक्स का तो हम उस एट्रीब्यूट को अब फॉर्म पे ऐड करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कीजिए जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है और फिर इसको आप सिंपली इसी जो विंडो है यहां से आप इसको ड्रैग करें और अपने फॉर्म के ऊपर ड्रॉप कर लें तो ये जैसे बाकी एट्रीब्यूट्स आपके फॉर्म पे मौजूद हैं उसी तरह से दिस एट्रीब्यूट विल आल्सो अपीयर नाउ ऑन योर फॉर्म इसी तरह एक और हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने फॉर्म के ऊपर एक ऑप्शन ग्रुप कंट्रोल भी शामिल करना चाहते हैं इसमें यही होता है कि इसका बेसिक आइडिया यही है कि जब आपके पास मल्टीपल कोई च्वासेज हो और में से आप कोई एक सेलेक्ट करना चाहते हो तो उस केस में आप ऑप्शन ग्रुप कंट्रोल को यूज कर लेते हैं देखिए कॉम्बो बॉक्स भी आपको ये देता है कि वो मल्टीपल चॉइसेस आपको देता है और ये जो ऑप्शन ग्रुप है ये भी यही करता है दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉम्बो बॉक्स जो टाइप के जो कंट्रोल्स हैं आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं कि जिस वक्त आपके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है मिसाल के तौर पर आप देखें कि जैसे हमने जो प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट था वी चेंज द टाइप ऑफ द प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट एज कॉमोबॉक्स। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट विल बी टेकन विल बी पिक्ड फ्रॉम द प्रोग्राम टेबल लॉजिक क्या है लॉजिक ये है कि जिस वक्त एक यूजर ने डाटा एंटर करना होगा फर्ज करें हम एक नया स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं हमने उसके डिफरेंट है। name, दो तरीके थे अगर यह होता कि यूजर को खुद टाइप करना पड़ता प्रोग्राम नेम। में प्रॉब्लम यह था कि आपका यूजर है वो हो सकता है कि एक गलत वैल्यू टाइप कर गलत वाली से हमारी मुराद यह है कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम नेम टाइप कर देता दैट इज नॉट देयर इन द प्रोग्राम टेबल और ये आपको पता है कि वी हैव डिफाइंड ए प्राइमरी फॉरन की लिंक बिटवीन द स्टूडेंट एंड द प्रोग्राम टेबल वाई सो दैट यू और ए यूजर कुड नॉट एंटर एन इनवेलिड प्रोग्राम नेम क्योंकि फ यू डिक्लेयर द प्रोग्राम नेम इन द स्टूडेंट एज द फॉरन की तो इसमें वही वैल्यू आ सकेगी जो कि एग्जिस्ट करती है प्रोग्राम नेम प्रोग्राम टेबल के अंदर अब फर्ज करें कि अगर आप उसको एज टेक्स्ट बॉक्स छोड़ देते हैं देन इट बिकम्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूजर टू एंटर ए वैलिड प्रोग्राम नेम अब फर्ज करें कि यूजर जो है उसको नहीं पता कि मेरे पास वैलिड प्रोग्राम नेम कौन कौन से हैं तो फिर वो इट्स जस्ट मैटर ऑफ हिट एंड ट्रायल और यूजर को पता भी नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना है अगर आप उसको बना देते हैं कॉमोबॉक्स उसपे फायदा यह होगा कि जब यूजर पहुंचेगा प्रोग्राम नेम पे डाटा एंटर करते हुए तो वहां पे जब क्लिक करेगा उसके ऊपर प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट के ऊपर तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के जिसमें जितने भी प्रोग्राम इस वक्त हमारे पास हैं प्रोग्राम टेबल के अंदर वहां से उठा के तमाम प्रोग्राम नेम हम पे शो कर देगा और वहां से वो सेलेक्ट कर लेगा यूजर ये तो वो सिचुएशन थी कॉमोबॉक्स आपने इस्तेमाल किया कि जब आपके पास जो पॉसिबिलिटी है प्रोग्राम नेम्स की वो वेरी करती है कि आपने कहा कि जितने भी प्रोग्राम टेबल के अंदर प्रोग्राम नेम है सबको उठा के ले आओ चाहे उसमें दो हैं चाहे दस हैं चाहे पंद्रह चाहे बीस हैं जितने भी है वो आ जाएंगे बट यू आर नॉट श्योर और द नंबर ऑफ ऑप्शन इज नॉट फिक्सड जबकि जो हमारे पास ऑप्शन ग्रुप वाली इस सिचुएशन है उसमें यह है कि हमारे पास जो ऑप्शन हैं उनकी तादाद फिक्स है मिसाल के तौर पर जैसे हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स में आपके पास हैं मेल फीमेल और इवन आप अगर कोई और ऑप्शन भी करते हैं तो अभी है। तीन होंगे या चार होंगी लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो वेरी करेंगी तो ऐसी सिचुएशन में कि जब आपके पास ऑप्शन फिक्सड हैं और उनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करनी है तो फिर इस ऑप्शन ग्रुप जो आपके पास कंट्रोलर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको आप एक स्टैटिकली या फिक्स करके डिफाइन कर देते हैं और आपको पता कि ये यही रहेगी चेंज नहीं होगी जबकि काम बॉक्स उस सिचुएशन में है कि जब आपके पास जो ऑप्शन हैं वो वेरी कर सकती हैं तो जितनी भी ऑप्शन वेरी करेंगी वो उतना ही कॉम बॉक्स आपका जो है उनको एडजस्ट कर लेगा और उसमें से आप सेलेक्ट कर सकेंगे तो यही वो मैंने आपसे कहा ना कि आप जैसे फर्ज करें जैसे सेक्स की बात की है तो आपने उसको मेल फीमेल की ऑप्शन दे दी अब यूजर इज बाउंड टू एंटर वन ऑफ यूजर एंटर करते कर, इसको करता है मेल कोई करता है फीमेल कोई करता है एम कोई करता है एफ कोई करता है मर्दाना, कोई करता है जनाना लाइक like दैट उसमें जो फिर आपका डाटा एंटर हो रहा है बेस के अंदर उस पर आपका कंट्रोल नहीं है यू डोट नो प्रसाइजली कि आपके डेटाबेस में क्या आ रहा है और जो कुछ आया उसका मतलब क्या है तो आप यूजर को जिस जगह पर आप फील करते कि हैं कि उसको बाउंड करना चाहिए वहां पर उसको बाउंड करें लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल वो एक उसको बस आप छोटी सी दुनिया दे दे वही दुनिया देख सके नहीं जहां पर आप महसूस करें कि यहां पर यू शुड बाउंड द यूजर डू इट लेकिन अदरवाइज उसको फॉर्म के ऊपर लिबर्टी भी दीजिए अब यहां पर अगर आप देखें कि हमने जो हमारे पास जो सेक्स एट्रीब्यूट था उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक ऑप्शन ग्रुप कंट्रोल को हमने डिफाइन करना चाहा एंड फॉर दैट वी सिलेक्टेड दिस बटन फ्रॉम हियर जो आपके लेफ्ट साइड पे आप जो पूरी एक बॉक्स है ऑप्शन बॉक्स में से कंट्रोल बॉक्स जो आपके से है पूरी उनमें से आपने वो सिलेक्ट किया बटन आपने जो कि ऑप्शन ग्रुप आपको शो कर रहा है तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपने जो ऑप्शन ग्रुप में डिफरेंट ऑप्शन देनी है आपने उनको नाम क्या देना है तो यहाँ आपने कहा कि एक ऑप्शन को मैंने मेल का नाम देना है एक ऑप्शन को मैंने फीमेल का नाम देना है ओके आपने नेक्स्ट प्रेस किया फिर यहां पर डू यू वॉन्ट वन ऑप्शन टू बी डिफॉल्ट चॉइस डिफॉल्ट वैल्यू को आपको अंदाजा कि डिफॉल्ट से क्या मुराद होती है तो अगर आप उसको नो no कर देते हैं तो उनमें से कोई भी इनिशियली हाईलाइट नहीं होगा लेकिन अगर आप किसी को डिफॉल्ट कर देते हैं तो जिस वैल्यू को आप डिफॉल्ट डिकलेयर करेंगे वो हाईलाइटेड होगी शुरू में उसके बाद ये वो कहते हैं कि अगर आप जब किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करें

हमने इसको नॉमिनेट कर दिया कि इसकी वैल्यू इस एट्रीब्यूट जानी चाहिए ओके okay. तो इस तरह से हमने एक जो ऑप्शन ग्रुप कंट्रोल था उसको हमने डिफाइन किया और हम आखिर में देखेंगे कि इसमें इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी या हमें नजर कैसे आएगा इसके अलावा अभी तक देखा था कि आपको अपने फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बहुत छोटे साइज का अगर अगर आप इसका साइज एनहांस करना चाहते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का साइज एनहांस करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें अगर तमाम का साइज एनहांस करना चाहते हैं उसमें यह कि आप एडिट ऑप्शन में जाके सेलेक्ट ऑल कर लीजिए जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि तमाम आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपके पास यहां पर जो फॉन्ट साइज की ऑप्शन है वहां से आप जो भी साइज चाहते हैं लाइक जैसे हमारे पास जो हाईलाइटेड है स्क्रीन के ऊपर वो फोर्टीन है आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो तमाम जो आपके एट्रीब्यूट हैं उनका साइज एनलार्ज हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि आपको कुछ ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि जैसे कि वो किसी की वो शर्ट का कॉलर टाइट हो तो वो जैसे गर्दन फंसी होती है तो ऐसे उसमें फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको हर एक पे जाके उसको लीजिए इलाज करना पड़ेगा आप उनको इलाज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक को ड्रैग करके आप एनलार्ज कर सकते हैं सो दिस इज वॉट वी हैव डन विद आवर सो सो फार कि इसमें आप देखेंगे जितने भी तक हमने बातें की हैं मिसाल के तौर पे इसमें स्टूडेंट आईडी हमने कर दिया हाँ स्टूडेंट नेम के साथ हमने थोड़ी कर दी है सेक्स के साथ हमने ऑप्शन ग्रुप अटैच कर दिया अब इस तमाम एक्टिविटीज़ के बाद जो हमने अभी चेंजेस डिस्कस की हैं ये तमाम चेंजेस करने के बाद जो हमारे फॉर्म की शक्ल बनती है वो ये है इसमें आप देख रहे हैं कि हमने मास्वाए स्टूडेंट नेम के तमाम एट्रीब्यूट्स के जो उनके लेबल्स थे वो सेट कर दिए प्रॉपर नेम दे दिए इसके अलावा हमने प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिए कॉमोबॉक्स में इसके अलावा सेक्स को हमने ऑप्शन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए और जब हम इस फॉर्म को देखते हैं फॉर्म व्यू के अंदर तो ये हमारे पास डाटा है इसमें अगेन अनफॉर्चुनेटली बजट्रीब्यूट हमारे पास एम हैं लेकिन आप ये देखिए कि जो आपके पास ऑप्शन ग्रुप है उसमें चूँकि हमारे पास जो डाटा हमने ऑलरेडी इनपुट किया हुआ था उसमें जो हमारे पास सामने इस वक्त रिकॉर्ड है वो है फ़ीमेल का तो इसलिए हमारे पास जो हमारे पास जो ऑप्शन ग्रुप में जो हमारे पास बटन्स में जिसमें क्लिक हुआ हुआ है जो बटन सेलेक्टेड है वो फ़ीमेल वाला है तो ये तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है और इस हमने एट्रीब्यूट के साथ जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किया है वो आपने देखा है अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इस फॉर्म के साथ करने जा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू ऐड डिफरेंट कमांड बटन्स इनटू टू अवर फॉर्म और कमांड बटन्स का ये होता है कि आप जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर उसको आप कमांड बटन के जरिए करते हैं और साथ ही आप डिफरेंट कमांड्स के अंदर फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग अभी हम जो बटन ऐड करने जा रहे हैं वो सिम्पल बटन आप देखिए मिसाल के तौर पर अब ये पहला है कि आपने जो आपके पास साइट पे जो टूल बार था वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया एक कमांड बटन का आइकन उसको सेलेक्ट करके जब आपने ड्रॉप किया अपने फॉर्म के ऊपर तो कमांड बटन विज़र्ड जो है वो ओपन हो गया अब कमांड बटन की जो कैटेगरीज़ है वो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही हैं कि रिकॉर्ड नेविगेशन रिकॉर्ड ऑपरेशंस, फॉर्म ऑपरेशंस, रिपोर्ट ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस और बिस्लिनियस इनमें से फर्स्ट कीजिए हम सेलेक्ट करते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन अब रिकॉर्ड नेविगेशन में ये हमारे पास मुख्त पाँच छः सात ऑपरेशन लिखे हुए हैं फर्स्ट करें हम इनमें से सेलेक्ट करते हैं गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड उसको जब नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ आपसे ये पूछता है कि जो बटन आपको नजर आएगा अपने फॉर्म के ऊपर डू यू वॉन्ट टू प्लेस ए फिगर उस बटन के अंदर क्या कोई फिगर चाहते हैं या आप उसमें कोई टेक्स्ट चाहते हैं हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें एक पिक्चर या हमें एक फिगर चाहिए वो सेलेक्ट कर ली और जो हमें नजर आएगी वो लेफ्ट साइड पे आपको उसका सैम्पल भी नजर आ रहा है इसके बाद लास्ट uh, इसपे जो स्क्रीन है उस पर हमसे पूछता है कि आप इस कमांड बटन का नाम क्या रखना चाहते हैं फर्स्ट करें इसका नाम हम कह देते हैं नेक्स्ट ट्रैक जब हम फिनिश करेंगे तो अब ये देखिए कि ये जो लेफ़्ट मोस्ट आपको बटन नज़र आ रहा है नीचे ये आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड का और इसी तरह हमने यहाँ पे आपके सामने इसका जो फॉर्म नज़र आ रहा है यहाँ हमने ये किया हुआ कि कुछ और बटन भी ऐड कर दिए मिसाल के तौर पर जो नीचे ही जो दूसरा बटन है जिसके साथ के एक हेड और स्टार बना हुआ है ये है फाइंड नेक्स्ट का इसी तरह इसी तरह इसमें जो हाँ, आप साइड पे जो तो बटन देख रहे तीन इस पर हमने क्लियरली जो है वो के लेबल्स लिखे हुए टेक्स्ट लिखा हुआ मिसाल के तौर तो पे फाइंड रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड क्लोज फॉर्म अब जो ये क्लोज फॉर्म बटन है ये आपको इससे समझ आ गया होगा कि दैट वी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉर्म कमांड्स कैटेगरी क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि डिफरेंट ऑपरेशन थे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज uh, थी कमांड बटन की उसमें जो फॉर्म ऑपरेशन थे वहाँ से हमने सेलेक्ट किया और ये हमने बना ली एक बटन क्रिएट कर दिया इसके अलावा आप टॉप पे देख रहे हैं कि हमने एक इसमें लेबल भी ऐड कर लिया जो कि ये शो कर रहा है कि इस फॉर्म का पर्पस क्या है और पर्पस का क्या है ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड ये हमने बोल्ड करके लिख दिया ताकि फॉर्म पे सबसे पहले प्रोमिनेंट यही चीज़ हो कि हम इस फॉर्म के जरिए क्या कर रहे हैं उसके बाद अगर आप इस फॉर्म को फॉर्म व्यू में देखें तो ये देखिए कि आप आपको इस तरह से नजर आएगा अगेन आप देखें कि ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है यहाँ पे हमें जो ताहरा जहाँ स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड नज़र आ रहा है और इस पर फिर वो देखें आपके तमाम डाटा नज़र आ रहा है और सेक्स के केस में चूँकि ये फीमेल अगेन तो यहाँ पर जो उसके फीमेल वाला जो उसका बटन है वो सिलेक्टेड है तो इस तरह से ये आपका एक आ, सिंपल सा फॉर्म आपको ये नज़र आ गया डियर स्टूडेंट्स ये आपको एक फॉर्म की शक्ल नज़र आ गई इसमें आपने अभी तक देखा कि आप कैसे फॉर्म बनाते हैं डिफरेंट उसके ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं और इस फॉर्म के ज़रिए कैसे आपको डाटा नज़र आएगा कैसे नेविगेशन करेंगे और इसी फॉर्म के जरिए आप डाटा ऐड भी कर सकते हैं जब आप रिकॉर्ड के आखिर में पहुँच जाएंगे या आप चाहें तो उसमें बटन ऐड कर लें ऐड न्यू रिकॉर्ड का उसके ज़रिए आप जो है ना उसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं ये एक बहुत सिंपल फॉर्म था जिसके अंदर यू हैव यूज जस्ट वन टेबल अब ज़ाहिर के जैसे आपको मैंने बताया था कि आपके रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको पास अक्सर एप्लीकेशन ऐसी होती हैं दैट इन्वॉल्व मल्टीपल टेबल्स इस फॉर्म में एक टेबल इन्वॉल्व था अब जो फॉर्म मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें नवतन तेज़ी के साथ मैंने मतलब वो इतनी डिटेल से जैसे मैं आपको ये पहला बेसिक फॉर्म एक्सप्लेन किया था उतनी डिटेल इतनी डिटेल से नहीं है बल्कि वेरी फास्टली और स्विफ्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसको हमने फॉर्म कैसे क्रिएट किया है अब ये फॉर्म जो है इट इन् मल्टीपल टेबल्स और बेसिकली हमने इस फॉर्म में चार टेबल इस्तेमाल किए अब मल्टीपल टेबल्स को एक फॉर्म के ऊपर प्लेस करने के मुख्तु तरीके होते हैं वो तो जब आप कोई टूल पढ़ेंगे चाहे जो भी आप टूल इस्तेमाल करते हैं वी बी इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या कोई और टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो तो उसकी अपनी एक डिफरेंट टेक्निक्स होंगी कैसे आप मल्टीपल फॉर्म्स को इन्वॉल्व करते हैं एक फॉर्म के ऊपर लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है और कैसे उसमें मल्टीपल टेबल इन्वॉल्व हुए इस फॉर्म का बेसिकली सिनेरियो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम एनरोल करें अब सूरत यह है कि हमारे पास एक प्रोग्राम का टेबल है जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं जैसे एम है बी है बी वगैरह ये हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसके बाद यह है कि हर प्रोग्राम में डिफरेंट स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं इसी तरह हर प्रोग्राम में डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफर होते हैं या डिफरेंट कोर्सेज इंक्लूडेड हैं अब जिस तक हमारे पास प्रोग्राम आ गया प्रोग्राम प्रोग्राम टेब, टेबल आ गया उसके तमाम रिकॉर्ड आते हैं इसी तरह उससे जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो आ गए और उसके बाद जो उस प्रोग्राम के डिफरेंट कोर्सेज हैं वो आगे उसके बाद फिर हम ये देखना चाहेंगे कि दो चीज़ें हैं एक बात तो यह है कि इस प्रोग्राम में कौन सा स्टूडेंट्स कौन कौन से प्रोग्राम में इनरोल्ड है एक बात दूसरी बात यह है हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के जो ये स्टूडेंट हैं इनमें से इस स्टूडेंट को हम इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो डाउन बिलो आपको एनरोल का टेबल नजर आ रहा होगा तो उससे आपको होगा ये कि आपने प्रोग्राम और स्टूडेंट और कोर्सेज नजर आ रहे हैं और वहां से फिर आप ये करेंगे उनको आप सेलेक्ट करके प्लेस करेंगे एनरोल के अंदर एक तो आप उनको एनरोल करेंगे और दूसरी एक्टिविटी आप ये परफॉर्म करेंगे कि आप उनके मार्क्स प्लेस करेंगे मार्क्स हम रा जैसे हमने एनरोल का टेबल डिज़ाइन किया था उसमें तो मिड टर्म के मार्क्स सेशन के मार्क्स प्लेस किए थे वो हम एक्टिविटी करेंगे आइए देखते हैं अब ये आप देखिए कि यहाँ पर हमने पहले टॉप पे जैसे हमने विजल्ट को इस्तेमाल करते हुए टॉप पे जो तीन एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रोग्राम टेबल के हैं उसके साथ ही हमने अलग से एक फॉर्म क्रिएट किया और वो हमने क्रिएट किया स्टूडेंट का स्टूडेंट का फॉर्म क्रिएट करने के बाद हमने इसके अंदर यानी इस जो प्रोग्राम का फॉर्म था इसके अंदर हमने इसको एज सब फॉर्म इंक्लूड कर लिया ये उसमें ऑप्शन है अगेन विजल्ट में ऑप्शन है इंक्लूड करने की साथ ही हमने वही ऑपरेशन एक और फॉर्म के साथ रिपीट किया और हमने जो कोर्सेज़ का हमारा यानी जो फॉर्म था यानी इसका मतलब ये है कि हमने पहले अलग से स्टूडेंट का फॉर्म क्रिएट किया अलग से कोर्सेज का फॉर्म क्रिएट किया फिर हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम के साथ करने के बाद हमने ये किया कि प्रोग्राम हमने एक फॉर्म क्रिएट किया उसके अंदर हमने स्टूडेंट का और कोर्सेज़ के जो फॉर्म थे उनको सब फॉर्म को इंक्लूड कर लिया फिर उसके बाद हमने ये किया कि हमने साथ ही इसमें जो हमारे पास हमने एक और सब फॉर्म को शामिल किया एनरोल को और एनरोल में हमने जो उसके तमाम एनरोल हमारा टेबल था उसके एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं कि हमने ख़ास उसमें शेप में लिखने के बाद हमने उस पर दो बटन भी ऐड कर दिए सेव और एग्जिट के तो ये हमारा एक फॉर्म इस तरह से बन गया कि जिससे बेसिकली हम हमारे पास जो है वो चार मुख्तलिफ़ हैं वो टेबल जो है वो एक ही फॉर्म के ऊपर आ गए अब हमने किया ये कि जो हमारा प्रोग्राम टेबल था टॉप पे जो है उसको हमने लिंक किया है स्टूडेंट को के साथ और कोर्सेज के साथ या बल्कि यूँ कहना चाहिए कि स्टूडेंट को और कोर्सेज को हमने रिलेट कर दिया है प्रोग्राम के साथ इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रोग्राम को प्रोग्राम टेबल के अंदर नेविगेट करेंगे यानी प्रोग्राम टेबल में एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पर मूव करेंगे तो उससे एसोसिएटेड जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और कोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे लेकिन उसके बाद जैसे तो हमने एनरोल में देखना होगा तो उस पर थोड़ी सी बीच में प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग के तहत हमने ये किया है कि जब हम एक पर्टिकुलर कोर्स को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं उस वक्त ये होगा कि आप उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और आप उस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहां पे उसका डाटा एंटर करके एनरोल के टेबल में तो इस उसको जब सेव करेंगे तो वो स्टूडेंट उस कोर्स में एनरोल हो जाएगा अभी देखिए अब यहां पे अगर आप नेक्स्ट पे देखें तो ये आपने कहा कि अनबॉन्ड कंट्रोल्स फॉर एनरोल टेबल ये आपने इसको इसमें शामिल कर लिया अब इस वक्त ये आपके पास इसी फॉर्म का हमारे पास जो है वो डाटा व्यू है या कहना चाहिए फॉर्म व्यू है अब इससे आप देख रहे हैं कि हमारे पास टॉप पे जो प्रोग्राम टेबल है उसमें हमें नज़र आ रहा है एम उसके टोटल सेमेस्टर जो है फोर नज़र आ रहे हैं और जो प्रोग्राम क्रेडिट्स हैं वो सिक्सटी फोर हैं इसी तरह जब आप देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास जिस वक्त हम इसको सेलेक्ट करेंगे इसे मूव करेंगे अपने प्रोग्राम टेबल में तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका स्टूडेंट टेबल है और जो कोर्सेज टेबल है वो चेंज करते रहेंगे यहां पर देखें कि जब हमने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट किया स्टूडेंट के अंदर से और पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेट किया कोर्सेस के अंदर से तो उससे जो रिलेटेड डाटा था एनरोल के अंदर जो हमने पहले से ही फीड किया हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा अब फर्ज करें कि ये स्टूडेंट हमने इसको किसी और कोर्स में एनरोल करना है तो वैसे इस इस काम को करने के और कई तरीके भी हो सकते हैं लेकिन जिस तरीके से यहां पे हुआ हुआ, हुआ है वो ऐसा हुआ हुआ है कि हम यहां से स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका कोई सा और कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट मूव हो जाएंगे और बाकी अट्स को हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे तो इस तरह से आपका ये फॉर्म जो है वर्क करेगा अगेन मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म जो है इससे कंप्लीट कोर्स तो इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो आपको इस पर अलग से टाइम देना होगा लेकिन आज के इस कोर्स में मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म दिखा दिया और एक निष्पतन कंप्लेक्स फॉर्म दिखा डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर में आपने देखा कि जो लेक्चर नंबर थर्टी थ्री से हमारी डिस्कशन चल रही थी यूज़र इंटरफेस के ऊपर उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने आज फॉर्म्स के बारे में पढ़ा के और हमने देखा कि किस तरह से हम फॉर्म को पहली बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेस के अंदर लिंक करते हैं सीकुल सर्वर के साथ फिर उसके बाद आपने देखा कि हम फॉर्म को किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं और कैसे हम टेबल को लिंक करते हैं उसके बाद ये कि डिफरेंट टाइप के हम उस पर कंट्रोल दायर करते हैं फिर आपने देखा कि हमने एक जो फॉर्म क्रिएट किया था दैट वाज ए सिंपल फॉर्म इन द सेंस के इट इन्वॉल्व जस्ट ए सिंगल टेबल और आखिर में मैंने आपको एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करके दिखाया कि दैट इंक्लूडेड इंक्लूडेड मल्टीपल टेबल अदर इट इंक्लूडेड फोर टेबल्स तो इस तरह से आप डिफरेंट टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने फॉर्म्स क्रिएट करते हैं इनके ज़रिए इनपुट करते हैं या इसी तरह से आप उन पर डाटा डिस्प्ले करवाते हैं आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा और इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस पे मजद काम करना पड़ेगा और मुझे इजाज़ दीजिए अल्लाह हाफ